आ गई है फाइनली, हमने खरीद चुके हैं हम लोग बाइक। अगर डैशबोर्ड की बात करें तो आपको डैम्पर सामने मिल जाएगा, बहुत बड़ा सा और बहुत ब्रूटल सी बाइक लगती है। बहुत चेसिस की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम का चेसिस मिल जाता है हमें, और टैंक की बात करें तो मेटालिक इसमें टैंक है, एंड बाकी पूरी बॉडी इसमें प्लास्टिक की दी हुई है। पीछे अगर टायर की बात करें हम 190/55/17 का रेशियो का है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। और ऑस्टरनेसिंग फुल सिस्टम है, ये देखो मैं दिखा दूं भाई, ये रहा भाई, तगड़े तगड़े फ्लेम मारती है। और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड टू अवर चैनल एचआरडी व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो सभी लोग, होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मेरे पीछे है 1000cc का बीस्ट और ZX10R हमारी बाइक है, एंड ये हनीकॉम एडिशन है। तो अभी आपने इसके सिनेमैटिक को एंजॉय कर लिया होगा, और अभी इसके हम फीचर बताएंगे। जिन भैया की बाइक है, अंकुर भैया की बाइक है, आप लोगों को पता ही है। और हमारी बाइक में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है विद टाइटेनियम हेडर्स, और जो जो हमने इसमें मॉडिफिकेशन करवाई है वो एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। धीरे धीरे इसके मोड्स भी समझा देंगे हम, जो जो मोड हमें पता है, बहुत सारे मोड है, ज़्यादा नहीं पता मुझे भी, और जितने भैया को पता है वो भी बता देंगे। गाइस अभी फ्रंट से बात करते हैं, बाइक का बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक लुक है और लीडर क्लास सेगमेंट में आती है ये बाइक। 1000cc की है, और एक बार पूरा बाइक की फेयरिंग देखो भाई, टैंक देखो, बहुत ज़्यादा वाइड है बाइक। और पीछे अगर टायर की बात करें हम 190/55/17 का रेशियो का है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। और ऑस्टरनेसिंग फुल सिस्टम है, ये देखो मैं दिखा दूँ भाई, ये रहा भाई, तगड़े तगड़े फ्लेम मारती है। और बाकी इंजन कितने सीसी का है भैया इसका? 1000 सीसी का, ओके। बाकी साथ में आपको दो इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, और कैलिबर आपको ब्रेम्बो के मिल जाते हैं, शोई के इसमें सस्पेंशन मिल जाते हैं, 198 Nm का टॉर्क है, और क्या चाहिए भाई 1000cc की। ZX10R की तो भाई बात ही कुछ और है, निंजा बाइक्स हैं, Z900 हो गई, 800 हो गई, उनसे तो भाई बहुत ही अलग बाइक है। एक मतलब ऐसा फील आता है इस बाइक पे बैठने के बाद भाई, बाइक पे बैठो और उड़ने को तैयार हो जाती है बाइक। अगर डैशबोर्ड की बात करें तो आपको डैम्पर सामने मिल जाएगा, बहुत बड़ा सा और बहुत ब्रूटल सी बाइक लगती है, बहुत वाइड बाइक आपको दिखने को मिल जाएगी सामने से। और इसका टैंक बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑफ टैंक पैड इसमें जो स्टॉक आता है ये स्टॉक ही है, एंड पीछे हमने काउल लगवाया हुआ है इसमें जो कंपनी से आता है। अभी हमने कोई इसमें फुटपैक्स वगैरह नहीं लगाए हैं, बस अभी हमने इसमें मॉडिफिकेशन, छोटी छोटी मॉडिफिकेशन कराई है, जैसे भाई RNG के इसमें फ्रेम स्लाइडर्स हैं, और भाई जैसे हमने विंड स्क्रीन इसमें ब्लैक करवाई हुई है, स्मोक ब्लैक, ये स्टॉक ही है। और बाकी एक बार फ्रंट से लुक आप चेक कर ही लो कैसी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा वाइड लग रही है। और साइड की अगर हम बात करें तो जो ये शोवा का सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन का लोगो, ये भी हमने रेड करवाया हुआ है, और जो स्टॉक आता है वो सिल्वर आता है। एंड भाई पीछे से एक बार लुक देख लो, हमने भाई भैया जिनकी भैया की बाइक है उनका लोगो लगाया हुआ है यहाँ पे इंस्टाग्राम का, प्लीज़ आप जाके फॉलो कर लेना। और एक छोटा सा K&N का इसमें फिल्टर इंस्टॉल है, उसका भी स्टिकर लगा हुआ है। वैसे भी नीचे से बात करते हैं, जो इसके हेडर्स है वो फुल टाइटेनियम है, वैसे तो फुल सिस्टम इसका टाइटेनियम है ऑस्टरनेसिंग में, और डुअल चैनल इसमें ABS मिल जाता है, जाहिर सी बात है। और दो डिस्क ब्रेक आगे आपको मिलेंगे, ब्रेम्बो के इसमें कैलिपर्स हैं, और जो कि ब्रेकिंग में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। पीछे इसमें निसन के मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और एंड गाइस पीछे से अगर बात करते हैं तो हमें पैडॉक स्टैंड लगाने के लिए स्पूल्स भी मिल जाते हैं, जो हमने आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं, और हमने टेल आईडी नहीं लगवाई है। बाकी पूरी बाइक हमारी स्टॉक है, सिर्फ एग्जॉस्ट हटा के बाकी पूरी बाइक भैया ने एकदम शानदार करवाई हुई है। इसमें PPF लेमिनेशन जिसे बोलते हैं वो करवाई हुई है फुल बाइक पे, और हमारी बाइक का नाम है परी, #परी करके आप हमें इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो। और बाकी एक बार आप लुक चेक कर सकते हो बाइक का कैसे लग रही है। एक बार आप भाई डैशबोर्ड में थोड़ा सा नज़र मारते हो तो भाई मीटर कितना शानदार लगता है, ये देखो भाई जो जाती है ना लाइन, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें जो ये वाला छोटा सिस्टम है ये हमारा है, चारों इंडिकेटर जल जाते हैं बाइक साथ में, ये देखो भाई आगे से कितनी शानदार लगती है, ये इसकी आवाज़ है। और हमने इसमें जो लाइट है ना वो भी बहुत अच्छी लगाई हुई है, HID लाइट लगाई हुई है। बाकी बाइक के साउंड तो आप चेक कर रही हो कितनी अच्छी लग रही है। अभी छोटा सा हम बाद में रैप करेंगे, फ्लाई बाय भी सुनाएंगे, अभी सिर्फ आवाज़ सुननी थी। भाई इंडिकेटर देखो कितने प्यारे लगते हैं, वो जो छोटी सी चीज़ दिखाई मैंने उससे इंडिकेटर जल जाते हैं, बहुत अच्छा लुक आ रहा है फ्रंट से।
इस चीजें की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम का चीजें मिल जाता है हमें, और टैंक की बात करें तो मेटेलिक इसमें टैंक है, एंड बाकी पूरी बॉडी इसमें प्लास्टिक की दी हुई है। बाकी लाइट वेट के अकॉर्डिंग तो भाई देनी चाहिए। और सुपर स्पोर्ट बाइक में हमारी ये आती है, इनलाइन फोर सेगमेंट की बाइक है और 1000 cc की बाइक है। एंड बाकी आप इसके सारे सिनेमैटिक आपने देख लिए होंगे, तो प्लीज बता देना मुझे जो कमी छुट्टी होगी वो भी बता देना। और भाई सीट हमने इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि हम अभी हमने इसमें फुट पैक्स वगैरह नहीं लगाए हैं। अभी बाइक भी ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर ही चली है, 3 से 4000 किलोमीटर बाइक चली है। और गाइस पीछे के इंडिकेटर हमें स्टॉक में कुछ ऐसे मिल जाते हैं, लाइट कुछ हमें ऐसी मिल जाती है पीछे से, एंड बाकी इसकी जो टेल लाइट है ये भी बहुत अच्छी लग रही है जो कि स्टॉक में आती है। और अंदर का जो सस्पेंशन है वो भी ग्रीन कलर का दिया रहा है, बहुत प्यारा लुक आ रहा है जिससे, छोटा सा भाई दूर से देखने में पता नहीं चल रहा है सस्पेंशन है कहाँ, बट सस्पेंशन इसका अंदर होता है। वैसे अभी मीटर की बात करते हैं, यहाँ पर हमें RPM मिल जाएगी, और बाकी आप क्लोजली देखोगे भाई जैसे इंडिकेटर का है, और यहाँ पे हाई बीम लो बीम का है, एंड यहाँ पे न्यूट्रल का है, और यहाँ पे फ्यूल का है, फ्यूल कम्बशन। एंड भैया बाकी चेंज करके दिखाते रहेंगे, भैया दिखाना क्या क्या है। ये सेलेक्ट का बटन है, यहाँ से कुछ चेंज होते रहेंगे भाई, करना भैया कैसे होंगे, स्टार्ट हो गए। हमारी बाइक में मुझसे छुटा है वो आप प्लीज बता देना, बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अभी इसकी हम आवाज दोबारा से सुना देंगे, रैप करके सुना देंगे, और हो सकता है तो हम फ्लाई बाय भी सुनाएंगे। फ्लाई बाय इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे रैप नहीं करेंगे क्योंकि यार यहाँ पे कंप्लेन वगैरह हो जाती है, आप लोगों के लिए हमने रिव्यू कर दिया है। और बाकी बाइक पे धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी, उसके लिए आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे आ रही होगी, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, अपडेट वहीं पे देते रहते हैं व्लॉग कब आएगा, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी राइड भी प्लान होने वाली है। और भैया की आईडी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आईडी यहाँ पे भी आ रही होगी UK08 बाइकर करके है, भैया को भी जाके प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। और अभी इसकी आवाज़ सुनाते हैं, देन रोल आउट करते हैं बाइक पे। गाइस अभी बाइक की हम लोग आवाज़ सुनाने वाले हैं और फ्लाई बाय भी रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो फ्लाई बाय देखते हैं अभी देखते हैं कितना होगा, ठीक है। अभी बाइक की आवाज़ ही रही भाई, भी ऐसी लगती है ना भाई, और पब्लिक रिएक्शन देखो तगड़े आ रहे हैं। अब इसकी हम फ्लाई बाय सुनाएंगे आप लोगों को, बस ये था हमारी बाइक का कुछ फ्लाई बाय, और होप करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना जो मुझसे कमी छूटी है, जैसे हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल छूटा है, और लॉन्च कंट्रोल मैंने नहीं बताया, मैं बाइक में लॉन्च कंट्रोल है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वो हम यहाँ पे यार पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा बुम 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 करते हैं ना भाई, कंप्लेन हो जाते हैं कुछ छपरी लोगों की वजह से। एंड हमारी बाइक कैसी लग रही है, ये मेरी पुष्पा है RC390, इस पर भी हम ब्लॉग डालते रहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और हम सारे अपडेट वहीं पे देते रहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में वीडियो में, किसी अच्छी सी वीडियो में, और तब तक के लिए टिल द एंड टेक केयर, राइड आउट राइड सेफ, दिस इज मी कैफ साइनिंग ऑफ विद पुष्पा एंड कैफ पिजोड़ी, बाय बाय।